हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम CHS एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। गणित का प्रैक्टिस सेट है, सभी क्वेश्चन गणित के हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो जिनका भी एग्जाम 26 अप्रैल को है या फिर बाद में ये वीडियो कुछ लोग देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे, जिनको आएगा वो कमेंट करके बताते रहेंगे या चैट खुला तो चैट में बताते रहेंगे, जो ऑफलाइन होता है तो वहाँ कमेंट करके बताते रहेंगे। और फालतू का कमेंट कोई नहीं करेगा, फालतू का चैट कोई नहीं करेगा, केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखेंगे पहला क्वेश्चन जिन विद्यार्थियों का आएगा बताइए जल्दी से मुझे। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 15 दिन में, उसके बाद में बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो तीनों उसी काम को कितने मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, जब तीनों मिल जाएंगे तो उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, यही पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक ट्रिक होता है, अगर जो ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो ट्रिक से कर सकते हैं, नहीं तो इसका आप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन से यहाँ ट्रिक बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अगर जो कहेगा ए किसी काम को 1 दिन में 2 दिन में कर रहा है, उसके बाद में बी का काम दिया गया इतना दिन में कर रहा है, सी भी उसी काम को कुछ दिन में कर रहा है, तो तीनों का अगर जो पूछा तीनों कितने दिन में कर देंगे, तो इसका ट्रिक होता क्या, एक्स वाई जेड, यानी कि ए का कितना दिन लगा, उसके बाद बी को कितना दिन लगा और सी को कितना दिन, बटे में क्या करते हैं एक्स वाई प्लस में वाई जेड और क्या होता है प्लस में जेड एक्स। ठीक है, इसी पर सबका मान रख देंगे तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा बच्चों। चलिए मान रखते हैं, हम लिखा क्या गया, पहले रहेगा 15, उसके बाद में गुणे में 20, उसके बाद में गुणे में कितना हो जाएगा 12, या फिर आगे पीछे कर सकते हैं, 20 यहाँ लिखा गया था 12 यही इधर लिखा था, तो चलिए सही क्रम में हम लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, पहले लिख देते हैं 12 उसके बाद में हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों, और बटन क्या हो जाएगा, जैसे जैसे सब लिखा गया है वैसे लिख देंगे। ठीक है, पहले एक्स वाई लिखना है, तो एक्स के स्थान पर क्या है 15 12 एक्स वाई है, कर देंगे 15 गुणे में 12 प्लस में वाई जेड, यानी कि 12 20 कर दीजिए, 12 गुणे 20 प्लस में जेड एक्स, यानी कि 20 और गुणे में कितना कर दें हम एक्स के स्थान पे 15। ठीक है बच्चों, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें हम, अगर जो आपको आ रहा तो जल्दी सॉल्व कर लीजिए, गुणा करना है बाकी और जोड़ना है नीचे वाला पार्ट। ठीक है, गुणा करके जोड़ना है और कुछ में केवल डायरेक्ट जोड़ देना है। ठीक है, तो गुणा करेंगे एक बार, कितना गुणा करना है हमें, 15 का गुणा 20 में करना है, तो 15 दुना कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, इसका गुणा होगा 15 दुना 30 हो जाएगा और एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, 12 से गुणा करेंगे तो 12 तो यहाँ कितना हो जाएगा 36। ठीक है, उसके बाद में कितना जीरो, 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, 15 का गुणा कितने में करना था, 12 में करना था और 20 में करना था, तो गुणा करेंगे ये आएगा 3600। ठीक है बच्चों, अब नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है इसका भी गुणा करके हम प्लस के साथ में रखेंगे सबको। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं इसका भी, लिखा कितना है 15 गुणे 12। ठीक है, तो 15 का गुणा 12 में कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, चलिए गुणा कर लेते हैं हम 15 गुणे 12। ठीक है, तो हो जाएगा ये 180। ठीक है, मैं गुणा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी कॉपी पर कर सकते हैं, अगर जो आता है आपको तो वैसे गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 दुना कितना हो जाएगा ये 24, यानी कि 240। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो जाएगा 15 दुनाएँ 30 और एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, 15 दुनाएँ कितना 30 और एक जीरो एक्स्ट्रा ले आइए। ठीक है, अब सभी को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, कितना कितना जोड़ना है हमें, 180 जोड़ना है, 240 जोड़ना है, उसके बाद में क्या जोड़ना है, 300 जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा इसका मान, ऊपर वाला तो कितना चल रहा है, ऊपर चल रहा है 3600, नीचे जो बटन कितना हो जाएगा, ये नीचे जोड़ेंगे तो ये सब आएगा कितना है? 18 24 और 30 जोड़ोगे तो कितना, 1 0 1 0 1 0, यानी कि लास्ट में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 0 4 और 8 8 4 12 का 2, एक कैरी हो गया, उसके बाद में 3 2 5 और 6 और एक कितना हो गया 7, यानी कि 720। यहाँ 0 से 0 काट सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्या काट सकते हैं, यहाँ पर 36 1 36 36 2 72, यानी कि 2 हो जाएगा। बचेगा क्या बच्चों, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, 10 बटे में 2। ठीक है, 10 बटे 2 का मान कितना हो जाएगा, 5, यानी कि ए बी सी दोनों मिल जाएँ तो कितने, 5 दिनों में पूरा काम कर देंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप गुणा किया हूँ, इसलिए मुझे लंबा लगा लगाने में, नहीं तो आप गुणा यहीं करते,
स्टार्टिंग में यहीं पर गुणा करते हैं और यहीं पर काट पीट कर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको थोड़ा समझ में आ रहा, कोई एकदम से फॉरवर्ड कर रहा होगा, ठीक है, तो इन सबके लिए है। तो पाँचवा आंसर सही हो जाएगा इसका, पाँच सही हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि चैट पढ़ने का मेरे पास तो सुविधा नहीं है, बाद में कमेंट जब करे रहेंगे तो कमेंट को मैं पढ़ सकता हूँ, चैट को नहीं, ठीक है। चैट पढ़ने के लिए कोई सुविधा मेरे पास अभी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से मुझे मालूम है आप लोग बुक से शायद छोड़ ही दिए हों, अगर जो बुक में रहा होगा, अगर जो नहीं रहा होगा तब भी इसको लगाए होंगे या नहीं लगाए होंगे मुझे नहीं मालूम। तो इस तरह के क्वेश्चन चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है, रोहित अपने वेतन का 30% बचाता है, जबकि उसके खर्चा 30% बढ़ जाते हैं, तो वह 12-15 हर महीने बचाता है, तो उसकी मासिक आय है, उसकी मासिक आय क्या होगी, यही पूछा गया है। रोहित एक व्यक्ति है, उसको कुछ वेतन मिल रहा है, नौकरी करेगा तो उसको वेतन मिलेगा, ठीक है। अब जो वेतन मिल रहा है उसका 30% बचाता है, 30% बचाता है यानी कि 70% वो खर्चा कर देता है। फिर क्या होता है, जब उसके खर्चा जो है कितना 30% बढ़ा दिया जाता है, तो वो कितना बचाता है, 12-15 बचाता है, यानी कि 1215 रुपये बचाता है हर महीने, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, यही पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले मान लेते हैं हम यहाँ पर, माना उसकी आय क्या है, जो मासिक आय है कितनी है, यह है एक्स रुपये, ठीक है। अब एक्स का 30% बचाता है, तो एक्स का 30% कितना हो जाएगा, बचत कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30 × x/100, ठीक है। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 30x और बटे में कितना हो जाएगा, 100, ये बचाता है इतना, ठीक है। और क्या है, प्रारंभिक अगर जो खर्चे की बात की जाए, स्टार्टिंग में खर्चा कितना रहा होगा, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, अगर जो 100 तुम्हारा वेतन है इसमें से आप 30 खर्चा कर दे रहे हो, तो कितना बचा रहे हो, 70 बचा रहे हो, 70% बचा रहे हो, 30% खर्चा कर रहे हो तो 70% आप बचा रहे हो, ठीक है। तो प्रारंभिक जो इसका खर्च है क्या हो जाएगा, ये प्रारंभिक खर्च कितना हो जाएगा बच्चों, 70 × x और बटे में कितना, 100, ठीक है। अगर जो परसेंट में दिया गया है तो इसको क्या करते हैं, अगर जो फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो बटे हम 100 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 70x/100 कितना हो जाएगा, 100, ये इसका प्रारंभिक खर्च आ गया। अब इसके बाद में अगर जो नई खर्चे निकालें, तो नई खर्च में क्या कह रहा है, नई खर्च जो हो रहा है, जब उसके खर्च में 30% बढ़ा दिया जाए, यहाँ लिखा गया है 30% बढ़ा दिया जाए, जो नया खर्चा है उसी में 30% बढ़ाना है, तो चलिए 30% बढ़ा देते हैं, इसका नया खर्च हमें मिल जाएगा, तो लिखेंगे क्या, नया खर्च क्या हो जाएगा, जो लिखा गया 70x/100, इसी में हमें क्या करना, 30% ऐड करना है, तो 30% ऐड करो, चाहे 130% कर दो, ठीक है, या तो 30% पहले इसका निकालो जो दिया गया है ये, उसके बाद में वही 30% इसमें ऐड करो, या डायरेक्ट 130% इसी का निकाल दो, तो हमारा वही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट इसका 130% निकालेंगे, ठीक है। आपको अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, ये जो दिया गया है खर्च, इसका 30% निकालिए, 30% अधिक का रहा, इसका 30% कुछ मान आएगा, ठीक है, फिर वही मान ला करके इसमें ऐड कर दोगे तो नया खर्च आएगा, या फिर हम इसका 130% डायरेक्ट निकाल दें तो नया खर्चा आ जाएगा, ठीक है। 30% जब निकालोगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन से 130% जब निकालोगे तो ऐड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वही हमारा नया खर्च आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए निकालते हैं इसका 130%, तो 70x उसके बाद में बटे में 100, उसके बाद में 130%, मतलब 130 हो गया, और परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ से ज़ीरो काट सकते हैं हम, उसके बाद में इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बचेगा कितना, 7 × 13 क्या हो जाएगा, 91, और बटे में क्या हो जाएगा, 100, और यहाँ x बचा हुआ था तो x को भी लिख देंगे, यानी कि ये नया खर्चा उसका आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका बचत, ठीक है, बचत दिया गया कितना है, एक बार देख लेंगे, 1215 रुपये है जो हर महीने बचाता है, कितना, 1215 रुपये है, और अगर जो खर्च इसका इतना है, तो अगर जो बचत हम पूछे तो कितना हो जाएगा, अगर जो कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, 100 पहले इसकी आय मान ली है, उसके बाद में इतना खर्चा कर देता है, तो बचत उसका निकाल सकते हैं ना, तो चलिए हम बचत निकाल लेते हैं कितना होगा,
तो बचत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस में 91 एक्स बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे एलसीएम लेकर के तो ये आ जाएगा 9x बटे में 100। ठीक है, ये तो x के टर्म में हमारा बचत आ गया है, लेकिन इसे रियल में बचत कितना दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है 1215 रुपये, यानी कि 9x बटे 100 का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 12 उसके बाद में 15। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा यही हमें सॉल्व करके बताना है। तो 9x बराबर डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 12 15 और गुड़े में 100 और बटे में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब काट सकते हैं तो इसको काट दीजिए, अगर जो नहीं कट रहा तो दशमलव में जाएगा तो वहाँ तक भी ले जा सकते हैं हम इसको। देखिए काटेंगे 3 से, 3 3 9 और 3 4 12, उसके बाद में 0 रखेंगे, 3 5 15। ठीक है, अब देखिए 3 से 1 कटेगा, 3 1 3 उसके बाद में 3 3 9 कट सकता है, काटते हैं चलिए, 3 1 3 हो जाएगा और यहाँ काटेंगे 3 1 3 उसके बाद में ये 10 हो गया, 3 3 9 3 5 15। ठीक है, यानी कि 135 गुणे 100 कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, x बराबर कितना हो गया 135 और गुणे कितना 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 135 उसके बाद में 00, यानी कि x का मान कितना आ गया 135 उसके बाद में 00 उसके बाद में लिखा गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मासिक उसकी आय हो जाएगी, क्योंकि x बराबर हमने उसका मासिक आय माना था, ऊपर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ दिया गया था। ठीक है, माना जब हमने स्टार्टिंग में था तो यहाँ, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक बार अगर जो आपको नोट्स बनाना है तो वीडियो को दोबारा देख करके इसका नोट्स भी बना सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे, समीकरण से क्वेश्चन है, कह रहा एक खेत का परिमाप 2370 मीटर है, यानी कि 2370 मीटर है, ये खेत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यही बताना है। ठीक है, तो क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, तो क्या करेंगे हम, यह मान लेंगे माना। ठीक है, पहले समझा दे रहे फिर लगाते हैं सवाल, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या कह रहा है, कोई खेत है, ठीक है, खेत इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब परिमाप का मतलब सबसे पहले समझेंगे, परिमाप मतलब अगर जो ये पॉइंट स्टार्टिंग में दिया गया है, अगर जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर गए इतना इधर और इधर, यहाँ फिर वही पॉइंट पे आ गए, तो जितनी दूरी चल गए यही परिमाप हो गया। अगर जो गोले की बात की जाए, इस तरह से गोला है तो एक पॉइंट से लेकर के फिर से यही आ जाए तो यही इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो परिध होती है उसी का वही परिमाप होता है, अगर जो वृत्त दिया है तो। ठीक है, लेकिन से अगर जो आयत दिया गया है, वर्ग दिया गया, तो उसके किनारे किनारे जो दिया गया है लाइन, ठीक है, किनारे किनारे चल दें हम, तो जितना दूरी चलेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो क्या यहाँ पर लगाएंगे हम, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया गया है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए परिमाप दिया गया है, उसके बाद में पूछ रहा है क्षेत्रफल। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या मान लेते हैं, माना चौड़ाई जो दिया गया है क्या है, यह है x। ठीक है, और लंबाई क्या है, चौड़ाई का दोगुना है। ठीक है, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोगुना है, अगर जो हम कहें हमारे पास 2 रुपये है और आपके पास में हमारे हमसे 2 गुना रुपया है, तो क्या कहोगे कि मेरे पास 4 रुपया होगा। ठीक है, आपके पास कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। अगर जो कहूँ मेरे पास 100 रुपया है और मैं बोल दूँ आपके पास मुझसे 2 गुना रुपया है, तो क्या कहोगे आप कि आपको आपके पास कितना, 200 रुपया है। ठीक है, तो इस तरह से दोगुना और समझ सकते हैं आप लोग। तो लंबाई समझ में आ गया, चौड़ाई समझ में आ गया। ठीक है, अब कह रहा परिमाप, तो परिमाप का फार्मूला मालूम होना चाहिए। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है, कोई बताएगा एक बार क्या होता है फार्मूला, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को L से, उसके बाद में चौड़ाई को B से। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, परिमाप दिया गया है, ये दिया गया है 2370 और इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये 2, उसके बाद में लंबाई कितना माने हैं, 2x माने हैं, चौड़ाई कितना माने हैं, x माने हैं। ठीक है बच्चों, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा 3x, इनको ऐड करेंगे और 3 दुना कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। ठीक है, अगर जो x का मान ज्ञात करना हो तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पक्षांतर करके हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर सबसे पहले x बराबर पक्षांतर करके लिखिए, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 23, उसके बाद में एक मिनट रुकिए,
23, 70 ओवर टाइम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो एक बार इसको डिवाइड करके जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई निकल जाएगी, नहीं चौड़ाई निकलेगी, उसके बाद में लंबाई निकालेंगे फिर सॉरी उसके बाद में हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, ये आएगा 395, ठीक है। मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आपको कैलकुलेट करना होगा तो कर लीजिएगा बगल, ठीक है। कहीं लिखा गया था कि 23, 70 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 395 आएगा। 395 किसका मान आया है, ये आया है चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई बराबर कितना आ गया 395, ठीक है। अगर जो लंबाई पूछें तो लंबाई 2x है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा इसका मान, यह हो जाएगा 790, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब हमें निकालना क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए, उसके बाद में इसका आंसर हमें आराम से मिल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है। 790 उसके बाद में गुणा किससे करेंगे, 395 का, ठीक है। 790 और 395 का गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना, गुणा करने पर हो जाएगा ये 31.2 उसके बाद 050, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, एक बार मैं छोटा कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से मैच कर लीजिएगा कौन सा आंसर सही है, एक बार देख सकते हैं तो बताइए मुझे भी जल्दी से। तो यहाँ पर सही हो जाएगा पहला ऑप्शन बच्चों, समीकरण का क्वेश्चन था, तो समीकरण का क्वेश्चन बड़ा होता ही है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस देखिए कितना छोटा सा सॉल्व हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा सा था बस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इसका। लिखा गया है क्या, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा गया है, नीचे लिखा गया है ए स्क्वायर, अगर जो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर उसके बाद में प्लस में ए इंटू बी और फिर से लिखा है बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला अगर जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला मालूम है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लिखा क्या गया है, एक बार हम क्वेश्चन को सही फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं, लिखा गया है कितना 52 का क्यूब माइनस में 42 का क्यूब और बटम कितना दिया गया है, ये अगर जो 52 दो बार लिखा गया है तो इसको 52 का स्क्वायर कर सकते हैं ना बच्चों, प्लस में 52 गुड़े कितना लिखा गया है 42, उसके बाद में फिर से क्या लिखा गया प्लस में 42 का स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर जो फार्मूला आपको याद है तो एक बार कमेंट करके बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी उसके बाद में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इसके स्थान पे, जहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा गया इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं केवल एक लाइन, और शॉर्ट कर दें इसको, चलिए शॉर्ट करके लिख रहा हूँ मैं, आप ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म अप्लाएंगे तो जल्दी से सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना है तो देखिए इसका फार्मूला हम सबसे पहले लिख रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर जो कहीं लिखा है तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, उसके बाद में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब लिखेंगे 52 और 42 के फॉर्मेट में तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो ऊपर बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो नहीं समझ में आ रहा तो चलिए हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे वहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये पहले तो होगा ए माइनस बी, यानी कि 52 माइनस कितना हो जाएगा 42, ठीक है। 52 माइनस 42 कर दिए, उसके बाद में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 52 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 42 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ए बी यानी कि 52 गुणे 42, ठीक है। और नीचे क्या है, ये जो संख्या चल रही है वही संख्या चल रही है, तो नीचे वाले से आराम से इसको काट सकते हैं, तो 52 माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। 52 में से 42 घटाएंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, उसके बाद में यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि 10 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आप एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिएगा वीडियो दोबारा देख करके, क्योंकि आधी बात मैंने बोला है जो आपको नहीं भी समझ में आया होगा,
अगर जो ये फार्मूला है याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको नहीं लगा सकते हैं। लगा सकते हैं बिल्कुल। देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। एक शहर में पुरुष स्त्री और बच्चों का अनुपात दिया गया कितना है? 4:5:11 है। यदि बच्चों की संख्या कितना है? 176 है, तो पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या कितनी होगी यही बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा गया क्या? 4:5:11, ठीक है। अब देखेंगे ये स्टार्टिंग में किसका दिया गया है, ये है पुरुष का, ठीक है। उसके बाद में स्त्री का दिया गया है, उसके बाद में बच्चों का। पुरुष को क्या लिख दे रहे हैं? मैन लिख दे रहे हैं। उसके बाद में स्त्री को लिख दे रहे हैं वुमेन। उसके बाद में बच्चों को क्या लिख देते हैं? चाइल्ड लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये इनका अनुपात दिया गया है, ठीक है। आप यक्स मानकर, वाई मानकर, जेड मानकर लगाएंगे, या फिर ये कुछ और ए बी सी डी मानकर लगाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ध्यान से समझिए, मेरा बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं है किसी ने नहीं बताया, बहुत लोग बताए होंगे आप लोग अगर जो पढ़े होंगे कहीं पर। तो अगर जो नहीं बताया कोई, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। कह रहा बच्चों की संख्या कितना है? 176 है, और यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों की संख्या कितना है? 11 है, ठीक है। तो दोनों का आपस में तुलना कर लीजिए, 11 बराबर कितना लिख दीजिए, इसे लिख दीजिए 176, ठीक है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? 176 बटे में कितना? 11, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 का 66, यानी कि 16 बार में पूरा पूरा कट जाएगा ये, ठीक है। एक यूनिट का मान आ गया 16। अब उसके बाद में पूछ रहा किसका किसका मान। कह रहा पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पुरुष की संख्या कितनी दी गई है? 4 दी गई है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 16 × 4 कर दीजिए, 4 × 16, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64, ठीक है। तो 64 किस ऑप्शन में दिया गया है? एक तो इस ऑप्शन में दिया गया है और एक इस ऑप्शन में, यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो आप गलत कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में स्त्रियों का पूछ रहा, तो स्त्री का कितना लिखा गया? 5 लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 × 16, 16 × 5 कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। यानी कि 64 × 80 बिल्कुल सही हो जाएगा, 64 × 80 सी वाला ऑप्शन सही है बच्चों आपका, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन ना? आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए ये वीडियो, और वीडियो समझ में आए तो लाइक करिए। चैनल पर से तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि के ब्याज का क्वेश्चन है। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, वही मतलब वही उसी दर से क्या हो रहा है? 27 गुना हो जाएगा, मतलब कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, कोई धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जा रहा है, 6 वर्ष जब होता है तो वो 3 गुना होता है, ठीक है। मानते हैं धन इतना था, उसके बाद में जब 6 वर्ष बीता तो ये इतना सारा हो गया, इसका 3 गुना हो गया। फिर कह रहा उसी, ठीक है, उसी दर से जो दर था वो सेम है, कितना कह रहा कितने वर्ष में ये 27 गुना, ये तो अभी तक 3 गुना था, तो 27 गुना इतना सारा हो जा रहा है, यही हमें बताना है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मानेंगे यहाँ पहले, सबसे पहले मान लेते हैं क्या मूलधन जो दिया गया है ये है पी, ठीक है। उसके बाद में 3 गुना हो जा रहा है, तो यानी कि हो जाएगा 3p। और क्या है, दर जो दिया गया है इसको हम मान लेते हैं आर है, ठीक है। और समय तो दिया गया है 6 वर्ष, ठीक है। फार्मूला लगाइए मिश्रधन का, तो होता क्या है, ए बराबर पी 1 + RY100 / n, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए का मान कितना दिया गया है, पी दिया गया है या 3p दिया गया है, ये है मूलधन और ये है मिश्रधन, ठीक है। तो ए का मान दिया गया है 3p, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, 3p = p 1 + RY100 / n, यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखेंगे यहाँ क्या, p से p कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 = हो जाएगा 1 + RY100 / 6 हो जाएगा। अगर जो समझ में आ रहा तो ध्यान से देखिएगा, और कमेंट जब कहेंगे करने के लिए तभी करिएगा, फालतू कमेंट कोई नहीं करेगा। देखता हूँ चैट एकदम से बेकार करते हो तुम लोग, पढ़ाई नहीं करते हो। इतना हो गया, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर एक। इसके बाद में हम दूसरा जो कंडीशन कह रहा उसी को भी सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा कंडीशन क्या कहा है, उसी दर से क्या हो रहा है, वो 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, यह पूछा गया है, ठीक है। धन भी वही है, उसके बाद में 27 गुना हो जा रहा है,
तो 27 गुना होने का मतलब क्या हो जा रहा है, ये हो रहा 27 पी इक्वल टू, पी उसके बाद में 1 प्लस आर वाई 100 की पावर में एन, इसी एन का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जो ऊपर दिया गया है एन, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या कर सकते हैं इसको हम थोड़ा सा और देखिए, पी से तो पी फिर कटेगा वही, ठीक है, यानी कि यहाँ की 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के घात में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर वाई 100 की पावर में एन। अगर जो ध्यान से देखेंगे इधर तो एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आराम से लग जाएगा, मैं छोटा कर रहा हूँ दिखाने के लिए। यहाँ देखिएगा ध्यान से, 3 का मान जो दिया गया है इतना दिया गया है, ठीक है, 3 का मान दिया गया 1 प्लस आर वाई 100 की पावर में 6, तो 3 यहाँ लिखा गया, उसके बाद में क्यूब लिखा गया, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, तो 3 के स्थान पर वही संख्या हम रख देंगे, ठीक है। तो 3 जहाँ लिखा है वहाँ लिखेंगे हम क्या, 1 प्लस आर वाई 100 की पावर में 6, उसके बाद में इसी के घात में ये 3 है, तो 3 हम बड़े कोष्ठक में करके ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर वाई 100 की पावर में कितना n, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना है, ये घातें जो हैं आपस में गुणा हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह का आप नियम घात एवं करणी में पढ़े हो, अगर जो घात एवं करणी वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक लाइन में इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर वाई 100 की पावर में 6 * 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर वाई 100 की पावर में एन। बेस बराबर हैं तो घातें आपस में बराबर होंगी, यानी कि एन का मान कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा 18। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, एक बार देखकर बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर सही था पहला ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा। कह रहा है एक दुकानदार 64 मीटर कपड़ा 960 में खरीदता है तथा 96 के लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको बचा सकते हैं कि नहीं, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, प्रति मीटर ज्ञात करना है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, कक्षा 6 का हो सकता है ये क्वेश्चन हो, नहीं ये जब पूछा गया है मीटर पर सेकंड इस तरह के क्वेश्चन कक्षा 6 में नहीं, बस यहाँ लाभ हानि तक पूछता है, सीमित करता है, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया गया, लगा सकते हैं आप लोग लगाइए, नहीं तो मैं समझा रहा हूँ आपको। क्या एक दुकानदार 64 मीटर का कपड़ा खरीदता है, उसके बाद में कहीं से वो खरीद कर लाता ही होगा ना दुकानदार, अगर जो आप मानते हैं ये हैं आप, ठीक है, क्या हैं ये हैं आप, ठीक है। अब ये आप हो गए दुकानदार, ठीक है, मैं हो गया ग्राहक, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैंने आपके यहाँ कपड़ा ख़रीदने जाना है, तो पहले आप कहाँ जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे कपड़ा ख़रीद के लाएंगे, ठीक है। आपने कितने में लाया, 960 रुपये में ख़रीदा, 960 रुपये में ख़रीदा, उसके बाद में क्या किए, 64 मीटर कपड़ा ख़रीदे थे, उसके बाद में मुझे क्या किए, आप लोग इस पर 96 रुपया और ऐड करके इसको बेच दिए, मतलब 96 रुपये इसी पर लाभ लिए, उसके बाद में बेच दिए। तो कह रहा कपड़े का विक्रय मूल्य प्रति मीटर में ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से हम क्रय मूल्य दिया गया है, यानी कि CP दिया गया कितना 960, ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट जो दिया गया है ये कितना दिया गया है 96 रुपये, ठीक है। अगर जो हम विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पूछें तो क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, लाभ बराबर यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ रखिए सबकी वैल्यू, यहाँ हो जाएगा 96 इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में कितना हो जाएगा ये 960, सबका वैल्यू केवल रखें, अब 75 कर दीजिए 960 को, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 96 प्लस में कितना 960 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 लिखा है, 06 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 96 कितना हो जाएगा 15 * 5 एक करी, उसके बाद में ये हो जाएगा 10, ठीक है, सही जोड़े हैं ना जी, यहाँ तो 6 हो जाएगा, उसके बाद में 9 + 10 = 15, उसके बाद में 9 * 1 = 10, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। लेकिन इसे सेलिंग प्राइस प्रति मीटर में पूछा है, प्रति मीटर का मतलब क्या, एक मीटर का कितना रुपया बेचा है, ठीक है, अगर जो 64 रुपये 64 मीटर कितना इतने में बेचा, ठीक है, हम मुझसे इतने में बेचे हो आप, ठीक है, 64 रुपया जो था 64 मीटर जो कपड़ा था 64 मीटर, अगर जो 1 मीटर का पूछा जाए तो क्या करोगे, 64 से इसी में डिवाइड कर दोगे, यानी कि 1056 / 64,
ठीक है, काट दो, कटेगा किसी से, देखो चार से काटते हैं तो चार एकम चार, उसके बाद में चार छक्का 24, उसके बाद में इसको काटेंगे चार दुनाए आठ, उसके बाद में चार दुनाए आठ और 10 हो गया ये, चार छक्का 24, उसके बाद चार चौका 16, ठीक है। देखिए और किसी से कटेगा, ये लिखा है 264 बटे में 16, 16 से काटें, 16 एकम 16, चार से काट लीजिए, थोड़ा थोड़ा ईजी हो जाए ताकि 16 से काट देने के बारे में। चलिए 16 से काटते हैं, 16 एकम कितना हो जाएगा 16, उसके बाद में 16 चार 20, यानी कि 10 हो गया, ये हो गया 16 चार 20, यानी कि 4 हुआ, उसके बाद में 6 10 हो गया 104, 104 16 से कटेगा। एक मिनट रुक जाइए, चार से ही काट लेते हैं पहले, क्योंकि गलत हो जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। चार से काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये चार चौका 16, चार से काटेंगे चार छक्का 24, उसके बाद में 24 चार छक्का 24, ठीक है। 66 बटे में कितना हो गया, ये लिखा कितना गया 66 बटे में 4, ठीक है। 66 बटे 4 2 से फिर से कट सकता, 2 2 से काटेंगे, देखिए पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए फंस रहा था, मुझे लगा पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 बटे में 2। इसको डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, कोई ऑप्शन बटन दिया गया है या डायरेक्ट आंसर आ रहा है इसका। दशमलव दिया है, भाग देना पड़ेगा तो देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 2, उसके बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ठीक है, 2 6 12, उसके बाद में 2 5 10, तो कितना हो गया 16.5, इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए एक बार बच्चों, तो यहाँ पर सही था चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था जिनको मैंने आपने सॉल्व करा दिया, आशा है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।